एक करोड़, दो करोड़, तीन करोड़, कितना लिखा है? शार्क्स, सुनिए मेरी बात। 2010 की जिस पिच ने बदल दिया लेंसकार्ट का कल, अपनी उसी पिच को दोहराने आए हैं हमारे शार्क पीयूष बंसल। शार्क्स, सपने तो सभी देखते हैं, पर दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख ही नहीं सकते। हिंदुस्तान में 50% ऐसे लोग हैं जिनको चश्मे की जरूरत है, पर उसमें से खाली 1/4 ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई चश्मा है। इसका मतलब 40 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिनको चश्मे की जरूरत है पर उनके पास चश्मा नहीं है। एक बच्चे की 80% लर्निंग विजन के थ्रू होती है, पर विश्व में ऐसे 23.5 करोड़ बच्चे हैं जिनको चश्मे की जरूरत है पर उनके पास चश्मा नहीं है। एक वर्कर अपनी प्रोडक्टिविटी 30% से बढ़ा सकता है और अपनी इनकम 25% से बढ़ा सकता है इंडिया में जस्ट थ्रू विजन करेक्शन। ग्लोबली इकोनॉमी में विजन करेक्शन की प्रोडक्टिविटी लॉस से सालाना लॉस इज $227 बिलियन। इसीलिए शार्क्स, मेरा मानना है और कई रिपोर्ट्स का मानना है कि इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ एलिमेंट वो है विजन करेक्शन। शार्क्स, 3 में से 1 भारतीय ठीक से देख भी नहीं सकता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है लेंसकार्ट। लेंसकार्ट कोई कंपनी नहीं है, ये एक मिशन है विजन करेक्शन को रेवोल्यूशनाइज करने का। ये एक विजन है 50% हिंदुस्तानियों को चश्मा पहनाने का। शार्क्स, हम इंडिया का मारुति ऑफ आईवेयर बनना चाहते हैं। जैसे मारुति ने गाड़ियों का सुख एक हिंदुस्तानी को दिया है, हम चाहते हैं लेंसकार्ट के थ्रू हम वो विजन का सुख हर हिंदुस्तानी को दें। शार्क्स, मैं हूँ पीयूष बंसल, मैं हूँ 26 साल का और मैं हूँ को फाउंडर एंड CEO लेंसकार्ट का, और मेरी आपसे आस्क है 1 करोड़ रुपए फॉर बहुत सारी गाइडेंस एंड 1% ऑफ इक्विटी इन माय कंपनी। गुड पिच। कौन मेरे साथ जुड़ना Good चाहेगा? पिच। तो पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप मुझे ये बताइए कि आप प्रोडक्ट्स हैं जो आप दिखाना चाहते हैं, कुछ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि क्या क्वालिटी, कैसे आपके चश्मे बाकी चश्मों से डिफरेंट है? गजल जी, मैं आज चश्मे तो नहीं लाया हूँ, पर मैंने एक लेंसकार्ट का चश्मा पहना है। पर हम इस इंडस्ट्री को ऐसे रेवोल्यूशनाइज करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम 3 है। एक है अवेयरनेस की। हिंदुस्तान में एक बच्चा जब स्कूल जाता है, कोई उसका विजन टेस्ट नहीं करता है। हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में भी विजन टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? घर की महिलाएं टीवी के पास आती रहती हैं पर चश्मा नहीं लगाती हैं। तो प्रॉब्लम अवेयरनेस की भी बहुत बड़ी है। दूसरी प्रॉब्लम है एक्सेस की। 800 मिलियन लोगों के पास फोन है, हर गली नुक्कड़ में फोन की दुकान है, पर चश्मे की दुकान खाली 40,000 है। आप प्रोडक्ट पे बाद में चाहते हैं, पहले आप ये बताइए आपका बैकग्राउंड क्या है, आप करते क्या थे पहले? मैं उनका जवाब दे देता हूँ। एक लास्ट पॉइंट, किसी कंटेस्टेंट ने नहीं बोला है। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। चश्मा की इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही क्लोज नेट इंडस्ट्री है, तो इसको जो कंट्रोल है वो बहुत ही लिमिटेड लोग करते हैं, जिसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है चश्मे की वो काफी महंगी हो जाती है देन द एक्चुअल कॉस्ट। हाँ, तो अमन जी आप पे आते हैं, तो आप एक ये बताइए कि आपने लेंसकार्ट क्यों स्टार्ट किया और आप क्या फ्लिपकार्ट से कॉपी कर रहे हैं कि ये के जो आपने लिखा है? सर, मैंने ये डोमेन नेम फ्लिपकार्ट शुरू होने से पहले रजिस्टर किया था। चल झूठे। ये चेक कर सकते हैं आप। और मैंने करीबन 20-30 कार्ट वाले डोमेन्स रजिस्टर कर लिए थे। आप परफ्यूम कार्ट भी ढूंढेंगे ऑनलाइन तो वो मेरे पास ही है, टॉय कार्ट भी मेरे पास है। मेरे को आप बड़े रिस्की बंदे लगते हो। मुझे लगता है आगे जाके आप ये वॉच कार्ट और बैग कार्ट ये सब शुरू करोगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। हो सकता है सर, अभी तो मुझे एक प्रॉब्लम बड़ी मिली है। मैं इस प्रॉब्लम पे आता हूँ, मैं कैसे आया। सर, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, यहाँ डॉन बॉस्को स्कूल में। इंजीनियरिंग मैंने IIT के लिए बहुत तैयारी करी, पर मेरा IIT में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली एडमिशन नहीं हुआ। और उसके बाद मैं पढ़ाई करने चला गया मैकगिल यूनिवर्सिटी, जो कि कैनेडा में है। वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैं चला गया माइक्रोसॉफ्ट सिएटल में। पर एक दिन ऐसा हुआ, मेरी मुलाकात हुई थी बिल गेट से। वो सब इंटर्न्स को अपने घर बुलाते हैं जो बीच पे है, और मुझे उनसे मिलके ऐसा लगा कि इन्होंने सीरियसली कुछ बड़ा किया है। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकता एक्सेल के बिना। और किसी ने मुझे बोला था कि माइक्रोसॉफ्ट में 50,000 लोग काम करते हैं, तो मुझे लग रहा था कि मुझे 1 in 50,000 नहीं बनना है। और मुझे कहीं कहीं ये भी लग रहा था कि मैं ऐसे लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना रहा हूँ जो पहले ही काफ़ी बेहतर है। तो इसीलिए मैं इंडिया आया, कोई मेरे पास प्लान नहीं था। माँ बाप ने भी मुझे कहा कि अच्छी जॉब है, बड़ी मुश्किल से मिली है, बस जुनून था, आ गया। तो मैंने कॉलेज क्लासिफाइड बिजनेस शुरू किया। उसमें इम्पैक्ट मुझे लगा आ रहा था, 30 लोगों की टीम भी बना ली,
पर वो रेवोल्यूशन नहीं आ रहा था। आप ऐसे अपने आप को ऐसे क्यों समझाते हो, मैं ये सॉल्व करूंगा, मैं ये कर दूंगा? आपने देखो, आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं हुई, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब नहीं मिली पहली बार। अमन सर, मैं हार नहीं मानता। नहीं नहीं, सुनो, आपको वहां नौकरी मिली नहीं, ठीक है? आप बिल गेट्स के घर जाके एक्साइटेड हो गए कि मेरा भी ऐसा घर होना चाहिए। आप इसीलिए आए हो, कूद गए आप, ठीक है? और आपने ना कुछ उखाड़ा है जिंदगी में, 100 करोड़ की आप वैल्यूएशन लेने आ गए हो। मैंने बहुत मेहनत करी है पैसा कमाने में, मैं अपने पैसे आपके ऊपर क्यों लगाऊंगा जिस बंदे को कुछ कहीं पे कुछ मजा नहीं आया। सर, मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स की हाउसिंग प्रॉब्लम को, वो उसमें वो भी फेल हो गया। नहीं, फेल नहीं हुआ सर। क्या हुआ सर? हम उसके अंदर 1500 कॉलेजेस हमारे पास लिस्टेड है, हमारा कोई मार्केटिंग स्पेंड नहीं है, इतने सारे पीजीज लिस्टेड हैं, ऑलमोस्ट 30-40 लाख का रेवेन्यू है हमारा खाली क्लासिफाइड से। पर मुझे उसमें एक चीज से बहुत नफरत है कि मुझे जाके वो एडवर्टाइजमेंट बेचना पड़ता है ना, मुझे लगता है कि मैं ये करने इंडिया नहीं आया। तो आपको बेचने से दिक्कत है आपको बेसिकली? नहीं, मेरे को बेचने से दिक्कत नहीं है, मेरे को वो ये 1x वाला समझ नहीं आता, मुझे रेवोल्यूशनरी काम करना है। आप हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हो कुछ, मेरे को ऐसा लग रहा है। आप सच्ची सच्ची बताओ, आप इंडिया वापस क्यों आए हो? आपको निकाला है ना वहाँ से नौकरी से? सर, मेरे पास इंडिया में बिल गेट्स को ईमेल लिख के पूछेंगे, आप जानते हैं उन्हें। अरे लेकिन तुम हो कौन पूछने वाले? 2010 है, कौन है अश्नीर? मेरे को भी नहीं पता। मैं अनुपम भाई की तरफ से पूछना चाहूंगा, आपके पापा क्या करते हैं? आपने कनाडा में एजुकेशन किया तो आई एम श्योर आप वेल टू डू फैमिली से हो। और आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं हाँ मैं शादीशुदा हूँ। आपके वाइफ के पापा क्या करते हैं? मैं बताता हूँ आपको। उनका लास्ट नेम क्या है, बताइए। पहले मेरे पापा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट? पर वो अभी सीए प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उनका बिजनेस है कॉपर वायर्स का, एक जॉइंट फैमिली बिजनेस है। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मैंने यूनिवर्सिटी की भी ऑलमोस्ट 70% एजुकेशन ग्रांट्स के थ्रू ही करी है। ओके, अच्छा पीयूष, लोगो एक सेकंड, आपका लोगो आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे बनाया क्या? मतलब वो ऐसे बहुत ही बेसिक सा है, क्या थॉट गया आपने, कुछ कॉन्सेप्ट है उस लोगो का? मैम, हमने ना इंटरनेट पे डाला था कि जो सबसे अच्छा लोगो बनाएगा उसको अवार्ड मिलेगा, तो वेबसाइट पे यही लोगो निकल के आया था। अवार्ड क्या, 5 रुपए दिए थे आपने? झप्पी नहीं, कुछ आई थिंक वो क्राउड सोर्सिंग वाला कुछ मॉडल है। चलो, पर मुझे लगा कि डिपेक्ट कर रहा है जो हम करते हैं, तो इसीलिए ये बना लिए। जो अभी मैंने आपके पिच से समझा, मुझे लग रहा है ये प्रोडक्ट बिजनेस है, तो आप टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट पे कैसे आ गए? मैम, ये प्रोडक्ट बिजनेस नहीं है, ये भी एक टेक्नोलॉजी बिजनेस है। मेरा मानना है कि दुनिया बदली जा सकती है टेक्नोलॉजी से, तो चश्मा ना ऐसे खरीद के नहीं बेचा जा सकता। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि ये स्केल नहीं हो पाया, क्योंकि चश्मे के अंदर पावर होती है दोनों लेंस की, और उसको फिट करना पड़ता है ऑर्डर आने के बाद। तो चश्मा तो हम बाहर से लेते हैं, पर लेंस हम अपने एक मीटिंग रूम के अंदर, हमने एक मशीन ली है छोटी सी और 2-3 लोग लगाए हुए हैं, वो चश्मे में लेंस लगाते हैं और हम फिर उसको कस्टमर को ऑर्डर शिप कर देते हैं। पर इसमें काफी टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है ऑनलाइन ऑर्डर लाने। तो रिटेल का बिजनेस है ना ये? आपका कोई रिटेल का एक्सपीरियंस तो है नहीं? नहीं। तो आपको कैसे लगता है कि आप इसमें सक्सीड करेंगे? इस कैटेगरी में बहुत मार्जिन है और बहुत पैसा है और लोग कोई बंद नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कोई इंटरनेट पे चश्मा क्यों खरीदेगा? क्योंकि पावर भी मेजर करनी होती है, सेटिंग भी करके देखनी होती है, तो वो तो कोई नॉर्मल दुकान पे जाएगा ना, आपके पास क्यों आएगा? सर, अभी हम पावर तो नहीं चेक करते, अभी हम ऑनलाइन लोगों को बोलते हैं तो अपनी पावर। मेरी पावर पता होनी चाहिए पहले से। हाँ, अभी हमारा मॉडल ऐसा ही है, पर फ्यूचर में जाके हमें आई टेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आई टेस्ट के बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। पर हमें भी थोड़ा सा लग नहीं रहा था कि ऑनलाइन लोग चश्मा खरीदेंगे, पर अभी हम देख रहे हैं कि हमें पूरे इंडिया से ऑर्डर आ रहे हैं। क्या सेल है आपकी? अभी सर हमारी सेल है करीबन 30 लाख रुपए महीने की। 30 लाख रुपए महीने की, मतलब 3.5 करोड़ हो गया। हाँ, तो आप 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे कैसे पहुंच गए भाई? एक्चुअली मैं कोई MBA नहीं हूँ, मुझे नहीं आता ये वैल्यूएशन वगैरह। सही बात, बिना चश्मे के मुझे साफ दिख रहा है, आपको चश्मे के साथ साफ नहीं दिख रहा वैल्यूएशन के मामले में। पीयूष, आप 75% अपना बिजनेस का दोगे? मैं देखिए, आप बड़े होनहार हो, आपको चाहिए इन्वेंशन करना, आप 25% रखो, आप रोज इन्वेंशन बिजनेस हम चलाएंगे, हम आपको बताएंगे क्या करना है, आप वही दिशा में लगे रहिए। आइडियाज हमारे होंगे, काम आप करोगे। देखो, मैं ना यंग एंटरप्रेन्योर्स में बहुत इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे लगता है कि आप में वो दम है, मुझे लगता है आप में वो पैशन है, तो मैं 1 करोड़ आपको देने को तैयार हूँ। कितने परसेंट के लिए? बट मेरे को कम से कम, देखो, 50 से नीचे मैं नहीं जाता। पहले मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी, मुझे आपके इंडस्ट्री और हेल्थ के में बहुत सिमिलैरिटीज लगती है, और मैं आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में तो बहुत मदद कर सकती हूँ। बट लाइक ये सब शार्क्स ने कहा,
1 crore for 1% बहुत ज्यादा है 100 crore for 3.5 crore of sales. तो मैं आपको ऑफर देना चाहूंगी 1 crore लेकिन 20% इक्विटी के लिए. पर देखो मेरा चेक रेडी है. 18% 15% ये नहीं आता. 14 मुझे आता है. इनको दिया. 12 आपने भी कैसे मदद कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता. आप खुद बहुत सक्षम इंसान है. मेरे को नहीं लगता कि आपको हमारे पैसे की जरूरत है. एक जापान में है एक इंसान मासा सान, वो आपकी मदद कर सकते हैं. उसकी पहली नौकरी लगी है. वो क्या मदद? देखो मेरे को ना टेक्नोलॉजी बिजनेस समझ आता है. ठीक है, मेरी और आपकी स्टोरी ना थोड़ा रिलेटेबल है. मैं बताता हूँ कैसे. आज से कुछ 5 साल पहले मैं भी ऐसे ही खड़ा था इन्वेस्टर्स के सामने. मैं बोल रहा था मुझे पैसे दो. मुझे भी ऐसे ही अश्लील जैसे लोगों ने अश्लील किया, जलील किया. बट मैं हारा. मत सुनो इनका. मैं हारा नहीं. मैं चाहता हूँ आप यहाँ बैठोगे जहाँ मैं बैठा हूँ आज से 5 साल बाद. बट आपको उसके लिए मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा. सर मैं वहां नहीं बैठना चाहता. ये बात नोट करी जाए. पीयूष सर वो मेरा गोल नहीं. पीयूष ये आपके साथ मेंटल गेम्स खेल रहे हैं. 50% क्या होता है पीयूष? 10% इक्विटी. मैम मेरे पास जो भी मार्केट से मेरे को इतना तो नॉलेज नहीं है. 10 crore इज अ ग्रेट वैल्यूएशन पीयूष. पीयूष मेरा ऑफर अभी पेंडिंग है. देखो मेरा ये ऑफर नॉन नेगोशिएबल है. अगर आप हाँ करते हो तो मैं इन हूं वरना मैं आउट. नहीं सर मैं 50% इक्विटी नहीं दूंगा. मेरा 10%. तो आप कितना कितने में क्लोज कर? 5%. नो 10% नॉन नेगोशिएबल. 5% डील डन. थैंक यू अमन सर. आपने कड़के से पैसा कैसे ले लिया 2010 में? इसके बाद 2 फूटी कौड़ी नहीं दी. अरे ये बक बक करते रहेंगे. आप और मैं दुनिया बदल देंगे. दुनिया बदलेंगे हम. One for the camp. सर मैं आपको एक चीज गारंटी कर रहा हूँ. मैं आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा आज से 10 साल बाद. ये मेरा आपको प्रॉमिस है. ये होता है बंदा बंदे में.